नमस्कार साथियों, आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर मैं सीताराम प्रसाद पूर्व नौसैनिक संपूर्ण देशवासियों को विजय दिवस विजयदशमी की उपलक्ष में आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और माँ दुर्गा से, माँ अम्बे से, माँ जगदम्बे से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में अपार सफलताएं, अपार खुशियां, अपार धन दौलत आए और हम आप सब खुशी खुशी रहे और कोरोना महामारी को जल्द से जल्द दूर भगाए। साथियों, मुझे इतना अपार स्नेह व प्यार देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब सब मेरा YouTube का वीडियो इतना कम समय में लगभग 2000 मिनट तक पहुंचा दिए, सब्सक्राइबर भी कम है मगर तय समय में वो भी पूरा हो जाएगा। मेरा मानना है कि जैसा गीता सार में है, मनुष्य कर्म करता चल, फल की चिंता मत कर, फल देने वाले सब देख रहे हैं। इसलिए मैं आप सबों के बीच सामाजिक मुद्दा, कुरीतियां, चलन और समस्या पर दिमाग में सटीक राय रखता हूँ। साथ ही आपके मनोरंजन का, भक्ति का, हास्य का, व्यंग का द्वारा मन को हरा भरा रखने का प्रयास करता हूँ और अपनी रचना को कभी कविता तो कभी संगीत का रूप देकर आप सबों का सपोर्ट पाने का कोशिश करता हूँ। जो मैं सदैव कोशिश करता रहूंगा क्योंकि कोशिश ही सफलता की गारंटी होती है और स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी का कविता भी तो यही कहता है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसका मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल तुम नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम, कुछ किए बिना ही कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। दोस्तों, यह मैं सबक मेरे लिए तो है ही, लेकिन यह सबक
हम सब के लिए है कि अपना लक्ष्य पाने के लिए आप हमेशा कोशिश और सिर्फ कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश ही सफलता की गारंटी होती है और असफलता ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है जब हम सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तीर पर लेकर जो गलत कदम लिए थे उसे सुधार कर सही कदम बढ़ाने और सफल होकर उभरने का मौका देता है। साथियों, आजकल मैं काफी व्यस्त चल रहा हूँ, अतः हर रविवार की भांति में आज भी सामाजिक मुद्दा के साथ आपके समक्ष फेसबुक लाइव तो हुआ हूँ, लेकिन हर रविवार के भांति मैं अग्रिम अपना विषय वस्तु का खुलासा आपके सामने नहीं कर पाया था, इसलिए मैं आप लोगों से एक बार पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का विषय है मझधार में चुनाव। नेताजी को जनता से लगाओ। आप विषय को सुनते ही समझ गए होंगे कि मझधार में चुनाव और जनता से नेताजी का लगाओ, मतलब जब बिहार में या कहीं भी जब चुनाव चल रहा है तब इन नेताओं को जनता के प्रति लगाओ और प्यार स्नेह बहुत ज्यादा दिख रहा है। मैं इसी पे आपको आगे बताना चाहता हूं कि आज आप बिहार के जिस गली से गुजरेंगे भले कुत्ता दो चार ना मिले, लेकिन नेता जरूर गली में मिल जाएंगे। नेताजी जरूर गली में मिल जाएंगे, क्योंकि नेताजी कुत्ते से समझौता कर लिए हैं कि तुम गली गली 5 साल भटकते हो, मुझे तो 5 साल में एक बार ही भटकना पड़ता है, इसलिए तुम गली को छोड़ दो, अभी गली में घूमना मेरा काम है। क्योंकि तुम 5 साल गली में रहते हो, मालिक का आम जनता का खाना खाते हो और रात भर पहरेदारी कर सेवा करते हो, लेकिन हम तो 5 साल में एक बार ही गली गली भटकते हैं और 5 साल तक जनता को गली का कुत्ता बनाकर घुमाते हैं। इसलिए कुत्ते से समझौता करके नेताजी अभी गली गली घूम रहे हैं और कुत्ता अपना गली छोड़ दिया है। जो भी राजनीतिक पार्टियां आज अपने जीत और जनता की समस्याओं का समाधान का दावा कर रही है, खोखला वादा कर रही है, जनता के लिए अपना पिटारा खोलने का बात कर रही है, बेरोजगारों को रोजगार का झांसा दे रही है, और सब की सब पार्टियां हो या स्थानीय नेता हो, 10 से 15 साल विधायक मंत्री पद का शोभा बढ़ा चुका है, लेकिन तब कुंभकर्ण की नींद सोते रहते हैं। वो नींद कब तब तक नहीं खुलती है जब तक चुनाव की संघनाद या ध्वनि या घंटी उनकी कानों पर नहीं बजती है। 5 साल और कुंभकर्ण की नींद सोते रहते हैं, फिर झूठा झूठा वादा, लोक लुभावन नारा, समस्या का समाधान करने का नाटक करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। मेरा प्रश्न है संपूर्ण बिहार की जनता के तरफ से कि आप सभी राजनीतिक पार्टियों नेताओं की दरिया दिली चुनाव से ठीक पहले क्यों दिखती है, और फिर चुनाव के बाद आपका वादा इरादा और चेहरा 5 साल तक प्राणी की तरह क्यों खो जाती है? क्या पक्ष क्या विपक्ष पार्टियां के उम्मीदवार चुनाव आते ही 20-20 गाड़ियां आगे पीछे घुमा रही है, वहीं जब कोरोना लॉकडाउन में समय फंसी आम जनता, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, छात्र छात्राएं को निकालने के लिए उनके पास पूरे सरकारी महकमे के पास संसाधन नहीं थी, और आज चुनाव प्रचार के लिए रथ बनाने के लिए हर विधानसभा क्रमवार 5 से 6 बस तैयार हो रहा है, रथ तैयार हो रहा है। यदि यही बसों की व्यवस्था सत्तारूढ़ पार्टियां या विपक्ष
होती तो बिहार के बेवास मजदूर महिलाएं बच्चे बूढ़े बेटियां ना तो हरियाणा ना ही दिल्ली ना ही मुंबई ना ही गुजरात के स्थानीय जनता का दुर्व्यवहार का शिकार होती। लॉकडाउन के कारण स्थानीय निवासी चाहे मुंबई गुजरात दिल्ली हरियाणा हो सबके पास संसाधन था, परंतु प्रवासी बिहारी दिहाड़ी मजदूरों के पास महीना 10 दिन तक के अलावा और कुछ नहीं था। राजनीतिक संबंधहीनता का वीडियो हम टीवी पर रात दिन देखते थे कि सब्जी राशन लेने गए बच्चे महिलाएं मजदूरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता था। स्थानीय सरकार राशन पानी मुफ्त बांटने का जो बात करती थी वो राजनीति या वोट पाने के लालच में स्थानीय लोगों को ही मिलती थी, असली हकदार तक वो राशन और पानी मिल ही नहीं पाती थी। जब लोग भूख से बेहाल हुए और सड़क तंत्र तो गुजरात दिल्ली गुड़गांव से लेकर मुंबई तक क्या व्यवहार और क्या मारपीट हुई, उस दर्द को बिहार की जनता झेली है और जो नहीं झेली है उनके परिवार के कोई ना कोई लोग उस दुख दर्द को झेला है। वो रोती बिलखती महिलाएं बच्चियां मृत बच्चे को कंधे पर लेकर के देखिए कितनी संवेदनहीनता उस समय लोगों में थी कि मृत बच्चे को कंधे पर लेकर के चलते मजदूर साइकिल रिक्शा व पैदल ही इन सारे महानगरों से बिहार के रास्ता मापते हुए पुलिस का जुल्म सहते हुए बिहार पहुंचे। लेकिन जब बिहार पहुंचे तो उनके पैर के छाले और बेबसी लाचारी दिखाई दे रही थी, परंतु क्या सरकार और क्या विपक्ष किसी के पास कोई फंड नहीं था, किसी के पास कोई फंड नहीं था। उस समय उनके बेबसी पर कोई रोना तो दूर, उनका सुनने वाला कोई नहीं था। और आज गली गली 5,500 गाड़ियों का काफिला घूम रहा है और करोड़ों रुपया पक्ष या विपक्ष दोनों के पास है, अकूत संपत्ति है आज चुनाव में खर्च करने के लिए, वोट खरीदने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। लेकिन वो संसाधन नहीं था। जब हर एक विधानसभा क्षेत्रवार यदि मैं कहूं कि एक विधायक 1 करोड़ भी खर्च किया होता हर विधानसभा वाइज, तो बिहार की सारी जनता अपने अपने घर वापस आ जाती। कितने मजदूर थे यदि आंकड़ा बताया गया है उसके अनुसार ओनली 30 लाख पॉपुलेशन था जो माइग्रेंट हुए थे, जो बाहर गए हुए थे, बाहर फंसे हुए थे। 30 लाख लोग की आप सेवा नहीं कर सकते हैं, देखरेख नहीं कर सकते हैं, तो आप 10 से 12 करोड़ बिहार के जनता को क्या सेवा कर सकते हैं। आप जब बोलते हैं कि 9 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, 15 लाख 19 लाख